गुड मॉर्निंग ऑलिफी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डब्ल्यू जायसवाल और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल सी बी एस ई डी जे कोचिंग में। तो कैसा चल रहा है दोस्तों? उम्मीद है बढ़िया ही चल रहा होगा। पिछले मेरे गाए हुए गज़ल्स को काफ़ी आपने पसंद किया, बहुत सारे बच्चों ने लाइक किया, उनके लिए मैं एक बार फिर से थैंक्स कहूँगा। थैंक्स अलॉट अगेन, आप सभी को तहे दिल से मेरा शुक्रिया कि आपने गज़ल को इतना पसंद किया। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि क्या आपने लिखा था? नहीं, मैंने नहीं लिखा था, वो हसरत जयपुरी ने लिखा था, उसको हुसैन ब्रदर्स ने पुराने गज़ल को गाया था। 2005 का गज़ल था, बहुत पुराना गज़ल था। तो काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर किस ज़माने का गाना गा दिए थे, कोई नए ज़माने का गीत गाइए। तो एक बार फिर से मैंने प्रॉमिस किया था वीडियोस आएंगी, और आज के लिए मैं एक नए ज़माने का जो आपका मरजामा मूवी का गीत है, जिसको लिरिक्स जिसको लिखा है रश्मि विराग ने और जिसको गाया है अरिजीत सिंह ने, तो यह है। मैं इसको आपके रिक्वेस्ट पे मैं जा रहा हूँ सुनाने, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यह मूवी का मरजामा मूवी है, उसका थोड़ी जगह मैं जा रहा हूँ उसको गाने, रश्मि विराग और अरिजीत सिंह ने इसको गाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी जगह दे दे मुझे तेरे पास, कहीं रह जाऊं मैं, खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं, अपनी खुशी देखे मैं तुझे तेरे दर्द से जुड़ जाऊं बस इतना चाहता हूँ मैं। थोड़ी जगह दे दे मुझे तेरे पास, कहीं रह जाऊँ मैं, खामोशियाँ तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊँ मैं। हूँ बेसहारा तेरे बिना मैं, तुझो ना हो तो मैं भी नहीं, देखूं तुझे यारा जितनी दफा मैं, तुझ पे है आता मुझको यकीन, सबसे मैं जुदा होके अभी तेरी रूह से जुड़ जाऊं मैं। मिला जो तू जितना चाहता हूँ मैं, थोड़ी जगह दे दे मुझे तेरे पास, कहीं रह जाऊँ मैं, खामोशियाँ तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊँ मैं। तो ये रश्मि विराग ने लिखा था, अरिजीत सिंह ने इसको गाया था। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके लाइक करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल पर आए तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि सिर्फ गीत संगीत ही नहीं आता है इस पर, 9th, 10th, 11th, 12th सी बी एस ई बोर्ड, एस एस सी बोर्ड और यू पी बोर्ड से संबंधित पढ़ाई करने को भी मिलता है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।